गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज हैं 4 फरवरी और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपडेट क्या है। प्रदेश के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता के लिए नीति बनेगी, राजस्थान विधानसभा से बड़ी अपडेट है ये। जेई मेन 2023 4 फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियाँ, जनवरी सेशन की रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स शीट्स व प्रोविजनल उत्तर तालिकाएं जारी। नेक्स्ट अपडेट क्या है, चलते हैं देखिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली बंपर वैकेंसी, 10वीं पास उम्मीदवार 17 फरवरी तक कर सकेंगे अप्लाई, 12523 पदों पर हो रही है भर्ती, जल्द करें आवेदन। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग, ये दोस्तों उत्तर मैट्रिक छात्र भर्ती 2022-23 से संबंधित है। अब 28 फरवरी तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन एवं नवीन पंजीकरण, तो आप यहाँ पर पूरी अपडेट देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी कल से। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022। संस्कृत शिक्षा विभाग, विफल अभ्यर्थी 6 से 15 फरवरी तक करा सकेंगे प्राप्तांकों की पुनर्गणना, आरएस मेंस 2021। प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्ति कल से। आरपीएससी अजमेर जिला मुख्यालय पर 10 फरवरी को होगी हॉस्पिटल केयर परीक्षा। आरपीएससी सत्र समाप्ति में 1 माह बचा, अब दे रहे शिक्षक देननी। नौकरियों की रफ्तार कछुआ चाल, हर साल बढ़ रही है बेरोजगारी की फौज। बेरोजगारी भत्ते के पंजीयन में सीकर और जयपुर के युवा सबसे ज़्यादा आगे, पिछले एक साल में 3,19,000 ने कराया पंजीयन। प्रदेश में 244 जॉब मेलों से महज 28,000 को ही मिला रोजगार, पूरी अपडेट आप यहां पर देख सकते हैं। जेई मैन 2023 में 2 दिन के लिए भूल सुधार का अवसर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, यह अधिसूचना है, आप देख सकते हैं पूरी अपडेट यहां पर। ये कार्यालय समन्वयक पीटीटी 2022 जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की विज्ञप्ति है, अधिसूचना है, आप देख सकते हैं। पीटीटी 2022 4 वर्षीय बीएड और बीएससी बीएड एवं 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए फीस रिफंड हेतु ये है, आप देख सकते हैं अपडेट। डाक विभाग में निकली 40,889 भर्तियाँ, भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट ग्रुप बी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर पदों पर आवेदन मांगे। 70 बीतने के बाद अब होंगे प्री प्राइमरी में आरटी प्रवेश, पुनर्भरण नहीं मिलेगा, पहली कक्षा में आने पर मिलेगा। फतेह स्कूल शिक्षकों के बीच खुला विवादों का चैप्टर और क्लासें सुनी। 78 साल पुराने उच्च माध्यमिक स्कूल के इन दिनों ये हालत, आंखों देखी 2 कमरों में टाइम पास कर रहे थे 4 छात्र। प्रिंसिपल बोले क्लास नहीं लेने वाले को मॉनिटरिंग करेंगे, होगी सख्ती। इसी सत्र आरटी के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में होंगे प्रवेश, विरोध में उतरे निजी स्कूल, सरकार नहीं देगी पुनर्भरण राशि, सवाल स्कूलों में 1 महीने बाद सत्र खत्म, कैसे होंगे प्रवेश। वीएमओयू ने छात्रा शिक्षा निःशुल्क की तो 4,000 आवेदन बढ़े, 28 फरवरी अंतिम तिथि। बीटीयू का शिक्षा सत्र बेपटरी, बीटेक 5वें व 6ठे सेमेस्टर का परिणाम अब तक नहीं आया, 7वें की परीक्षा इसी माह है। 5वें सेमेस्टर का परिणाम 10 दिन, 6ठे का परिणाम 1 माह में आने की उम्मीद। प्रदेश के 93,000 मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाएंगे टेबलेट, 3 साल का फ्री इंटरनेट भी मिलेगा, सरकार ने लिया अंतिम निर्णय, टेंडर की प्रक्रिया जल्दी होगी शुरू। आरटी के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में भी प्रवेश,
ऑनलाइन आवेदन 6 फरवरी से चालू शिक्षा सत्र के लिए होंगे एडमिशन। 10वीं बाद नहीं शारीरिक शिक्षा, कैसे बनेंगे खिलाड़ी, भर्तियों में 2% खिलाड़ियों का कोटा, लेकिन 11वीं से फिजिकल एजुकेशन नहीं। सीईटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बसों में कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग। वरिष्ठता सूची में गड़बड़ी, 3000 लेक्चरर नहीं बनेंगे वाइस प्रिंसिपल। यूजी पीजी के 1 लाख विद्यार्थी को मार्च में मिलेगी डिग्रियां, दीक्षांत समारोह 24 फरवरी को। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी, 1 मार्च तक देनी होगी सूचना। इन्वेस्ट ने स्टार्टअप के ग्रो अप के लिए दिए टिप्स, सुलझाई परेशानियां। 12वीं की परीक्षा 9 मार्च से, 10वीं की 16 मार्च से, स्कूलों को 1 तक बतानी होगी उपस्थिति। एमबीए छात्र भी पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जांच और इलाज के काम आएगी आधुनिक तकनीकी। एसपीसी जीएसए के 2310 सहित जिले के 5000 स्टूडेंट्स को मिलेगा इंडिपेंडेंस रिसर्च सेंटर का लाभ। तो दोस्तों ये एक तरफ, यहाँ पर डेली आपको 10 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं, हम देख सकते हैं आराम से वीडियो को रोक करके। तो ये थी आज की अपडेट, आज का चर्चा सुविचार। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। दोस्तों इसी के साथ आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।